हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज अपन बनाने जा रहे हैं रवे के लड्डू। एक कटोरी घिसा हुआ खोपरा, एक कटोरी रवा, एक कप दूध, एक कटोरी पीसी हुई शक्कर, एक छोटी कटोरी ड्राई फ्रूट, 4-5 चम्मच घी। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर एक कटोरी घिसा हुआ खोपरा डाल देंगे और लो फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। इसी अच्छे सेकते रहेंगे। 2 मिनट लो फ्लेम पे खोपरे को सेकने का। हमारा खोपरा अच्छे से सेक चुका है, आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। फिर कढ़ाई लेंगे, एक कटोरी रवा डाल देंगे। रवा को लो फ्लेम पे अच्छे से सेकते रहेंगे। रवा को ऐसे ही 2 मिनट लो फ्लेम पे सेकते रहना। 2 मिनट बाद हमारा रवा अच्छे से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कटोरी में खाली कर लेंगे। एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर एक कटोरी रवा डाल देंगे सेका वाला, एक कप दूध डाल देंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करने का 10 मिनट तक ढक के रख देंगे। 10 मिनट बाद हमारा बैटर अच्छे से भीग चुका है, इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर वो बैटर डाल देंगे। बैटर डालने के लो फ्लेम पे सेकते रहेंगे बैटर को। अच्छे से पेटल को सेकते रहेंगे और एक जैसा पेटल को हिलाते रहेंगे। दो मिनट पेटल को सेकने का। पेटल अब गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी डालने का अच्छे से सबको मिक्स करते रहेंगे तो पेटल अब लगेगा नहीं जिससे कढ़ाई के अंदर। आजू बाजू का बैटर निकालने के बाद अच्छे सबको मिक्स करते रहेंगे लो फ्लेम पे। और 5 मिनट अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और 5 मिनट बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 चम्मच घी और डाल देंगे। घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से सेकते रहेंगे। अच्छे सेकते रहना जब तक अपने एकदम दानेदार ना हो जाए। ऐसे ही 20 मिनट तक सेकते रहेंगे लो फ्लेम पे। 20 मिनट बाद हमारा अच्छे से सिक चुका है, आप देख सकते हैं। एकदम दानेदार हो चुका है टुकड़ों टुकड़ों में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कटोरी पिसा हुआ खोपरा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोपरे को अच्छे से मिक्स करने का ड्राई फ्रूट डाल देंगे
और ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बड़ी कटोरी पीसी हुई शक्कर डाल देंगे। और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर को अच्छे से मिक्स करते हैं और शक्कर के ढीकले फोड़ते जाएंगे चम्मच की मदद से सब जगह से और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पीसी शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक मिनट लो फ्लेम पे सेक लेंगे। एक मिनट लो फ्लेम पे सेकने के बाद एक बाउल के अंदर खाली कर लेंगे। बाउल के अंदर खाली करने के बाद हाथ में मसाला लेंगे और अच्छे से लड्डू का शेप बनाते जाएंगे। और आप देख सकते हैं लड्डू का शेप आ चुका है। ऐसे ही सब लड्डू को बनाते हैं एक एक करके। फिर इसे थोड़ा सा मसाला लेंगे और गोल गोल करते जाएंगे। लड्डू का शेप देंगे पूरा गोल गोल। और ये आप देख सकते हैं लड्डू का शेप आ चुका है। ऐसे ही सब लड्डू को बनाते जाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारे सारे लड्डू बन गए तैयार हो चुके। खाने में एकदम टेस्टी बने हैं।